नया ताजा चल रहा है आपकी लाइफ में? नया ताजा तो सर है सर, पर नया ताजा वही है कि थोड़ा सा निकाल करके अपने निकाल के एक आधे लोग का जो सब बात कर रहे हैं, तो उनके उनके क्या ये हो सकती है, संभावना हो सकती है, उनको कहानी होता है थोड़ा अंडरस्टैंड करके, और उन्हीं से मिल रहे हैं लोगों से प्राय आए उनसे, जो हमारे अंदर में हम जानते हैं जानकर, आप ज्यादा लोग पे जानने दिया है सिर्फ मारते हैं, कभी ना कभी हम इस तरह से बातें होगी, और आजकल में होगी, ज्यादा ज्यादा दिन भी नहीं लगेगा असल में। अब हर रोज जैसे दो तीन लोगों को मिलना तो कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है आप में जाकर के, तो कभी भी बात को लेकर के जब आएगा तो इस तरह से यू मोड़ा जा सकता है, घुमा जा सकता है, और फिर उनको उसमें लाया जा सकता है। तो आई थिंक यही सब कुछ काम जो है ना, जो शुरू हो चुके, बेबी स्टेप्स कह लीजिए, वो कल था वो आज भी है, वो सब में चल ही रहा है, और फुल फ्लेज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फुल फ्लेज फरवरी मार्च से फरवरी से शुरू हो ही जाएगा। जी ये सर जी ठीक है, ये चल बढ़िया रहा है सर। जी। तो सबसे पहले ना आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप ये वाला जो काम कर रहे हैं इसके अंदर आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं आप उनका किस तरीके से मदद कर पा रहे हैं। हमारा काम है, देखिए दुनिया के अंदर हर एक बिजनेस का जो काम है, दुनिया के अंदर जितने भी सेल्स पर्सन्स हैं, जितने भी लोगों की मदद करना, अब लोगों की अलग अलग तरीके से मदद करना जी हमारा काम है। कि अच्छा आप दुकान पे जाते हैं, दूध वाला दूध लेते हैं, तो दूध वाला हाँ आपकी मदद करता है, आपको दूध देता है, वो दूध आपके काम आता है, ठीक है ना। हाँ तो कोई भी आदमी किसी से भी कुछ भी खरीदेगा तो बदले में उसका कुछ ना कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। सबसे पहले डिसाइड करिए कि ये जो LIC का जो इंश्योरेंस का काम आपने शुरू किया है, इसकी वजह से लोगों को आप किस तरीके से मदद कर पा रहे हैं, इस वाले काम में लोगों को किस तरीके जी से हेल्प होती है, आप बता हाँ सकते हैं मुझे किस तरीके से हेल्प होती है। आपने ये जो काम शुरू किया है हेल्प इसमें लोगों तो की मदद किस तरीके से होती है? ऐसे हो देखो हेल्प तो ऐसे हो सकती है सर, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी सर में होती है सकता गलत भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अभी किसी की भी दुकान को लगाने के पहले उस दुकान में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो जैसे हमारे को भी अपने आप प्रमोट करना है, तो अपने आप में कार्ड छपवाए या जी एक आदमी को रख ले या एक आदमी का रख ले, इन सब कामों से अच्छा है कि हमसे उनसे बातचीत हुई, और कभी ना कभी कभी ना कभी उनके पास जाना पड़ता है, कभी उनके उनके बच्ची है, किसी की छोटी बच्ची है, या किसी को गिफ्ट देना पड़ता है, कोई हमें कराना पड़ता है, तो हम क्यों ना उनको एक पॉलिसी स्टार्ट करके और एक पॉलिसी दे दे उनको, ये लोग हम लगाते। अब वो जो है सो मतलब ऐसा होता है, वो 1500 रुपये महीना का भी पॉलिसी हो सकता है, 2000 का भी, डिपेंडिंग ऑन माई कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या है हमारे करने का। तो हम काम करके जैसे हम अपने आप में इन्वेस्ट करते, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है वो भी, तो उनको लगेगा कि एक पॉलिसी उन्होंने कर करा करके बना करके हमारे को हमने दे दिए। तो ज्यादा लोग जो है ना आजकल हमने देखा है सिर्फ अपने काम से काम वहां पे रख रहे, बात करने को तक को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी वो करे क्या, क्योंकि अभी काम स्टार्ट ही हुआ है उनका, समझ समझ लो वो कर रहे हैं। अब जैसे हमारे बगल में ही ऑफिस में है, वो एक फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री में चला रहे हैं, अब कैसे जाते हैं क्या कर रहे हैं हम उनको देख रहे हैं, सिर्फ हम वो जान रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में जी नहीं आ रहा है उनका, लेकिन हमने कुछ कर करा करके अपने बैठ करके बना करके उनको बेबी स्टेप उनके एक पॉलिसी बनाकर सर हमने सोचा है, और ये बनाकर आपको हम दे रहे हैं, ये गिफ्ट है, और कोई इक्वेशन पे हम उनको गिफ्ट दे दे, तो दैट गोज अलॉन्ग वे, फिर वो सोचेंगे कि एक पॉलिसी हमारे पास ऐसा बना दिया है कि उन्हें हम उसको करें उसको जाकर, और हम भी उसका देखेंगे जब बच्चा है कोई इस तरह का, मतलब वो पक्का मतलब वो कस्टमर हुआ कि हाँ ये इसको फॉलो करेगा, तो उसको हम उस तरह का देना, बच्चे को कोई हम कोई बड़ा गिफ्ट ना दें, लेकिन एक तरह का पॉलिसी हमको। अब आप किसी भी जगह बर्थडे में जाए और कहीं जाए तो 1000-1200 का गिफ्ट आ जाता है, कोई अच्छा सा अगर गिफ्ट उसको दे रहा है तो,
अगर हम 1000-1200 भी मतलब महीने का कोई ऐसा कोई पॉलिसी निकाल ले और बच्चे के नाम पे जो बना ले तो करा करके एक पॉलिसी दे दे हाथ में जाकर के, तो वो बहुत चीजें होती है हाथ में जाकर के। तो यही कुछ दिमाग में मेरे से चल रहा है और हमने आइडेंटिफाई कर ली है अपने अपने टावर में आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ पे किसका कितना बच्चा है और कौन कब लेता है कहाँ जाता है और किसका बच्चा वहाँ साइकिल चलाता है पूरे कंपाउंड में, और सारी चीज को मैं देख रहा हूँ। ये चीजें हैं सर। बढ़िया ठीक है, अब अच्छा सोचा आपने, बढ़िया सोचा आपने, और इसको हम जल्दी किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उसके बारे में हम अभी डिटेल में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और तरीके से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है ठाकुर साहब? सर बढ़िया सर, वेलकम वेलकम ठाकुर साहब, सुबह सुबह जो है पहले सबको प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो बाकी के 6 दिन तो आप अपनी जॉब के अंदर बिजी रहते थे, तो आज आपने संडे के दिन सुबह सुबह समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत सर मैं निकल गया होता जगह पर, लेकिन नहीं आपसे वादा किया था कि मैं रहूंगा, मैं स्नान करके पूजा करके बिल्कुल फिट हूँ, तैयार हूँ हमको जाने के लिए, लेकिन मैं तैयार होकर यहाँ कंप्लीट में हूँ अभी। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने। अच्छा सर मैंने एक वो जो अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस चार्ज जो है जो मैं दे देता हूँ अपने फैमिली का जो है, आपसे वादा किया था कि मैं दे दूंगा जी, तो मैं अपने बच्चे वाइफ सबका जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस एक मैं जो है कर दूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस कर लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो प्लान है उसके अंदर वैसे हमारी कंपनी का है मेरे पास में, लेकिन आपसे वादा किया था मैं दे दूंगा, तो मैं दे दूंगा ये चार। हेल्थ वाला जो इंश्योरेंस है लेना ही चाहिए, हमारे पास में तो था ही कंपनी से, थोड़ा सा इसके अंदर बेनिफिट रहेगा, यदि आप यहाँ से भी लेते हैं, आपने वहाँ से भी ले रखा है तो आपको डबल बेनिफिट रहेगा। ये अच्छा रहेगा कि आप इस तरीके से करेंगे, ये वाला जो प्लान है इसके अंदर 4 तरीके के ऑप्शन होते हैं, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का और 4 लाख का। और ये वाला जो प्लान है इसके अंदर जैसे मेडिक्लेम में होता है कि जितना एक्चुअल खर्चा होता है उसका लगभग 90% मिलता है, जैसे मान लीजिए 4 लाख का आपने जीवन आरोग्य लिया है और 4 लाख का मेडिक्लेम लिया है, अब मान लीजिए एक्चुअल खर्चा हुआ है 1 लाख, तो जो मेडिक्लेम होता है वो 1 लाख में से लगभग 90,000 या 85,000, लेकिन जो जीवन आरोग्य अच्छा। के अंदर है मान लीजिए 4 लाख का आपका सम एश्योर्ड है तो 4 लाख का क्लेम आपको मिलेगा, साथ में आपको अच्छा। डेली कैश बेनिफिट मिलेगा अच्छा। उतने दिन का आपको 4,000 पर डे के हिसाब से डेली कैश बेनिफिट भी मिलेगा, तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा अच्छा। बढ़िया प्लान है, अच्छा प्लान है, आप ले लीजिए इसको। हाँ लेकिन आप इसमें 4 मेंबर नाम से लेंगे तो 4 ही लाइफ के अंदर गिना जाएगा, इसके अंदर जो लाइफ गिना जाएगा आप इसको अच्छा। हाँ जी हाँ हाँ ठीक है सर, तो इसमें 4 लाइफ गिना जाएगा जीवन आरोग्य का, इसके अंदर फॉर्म जो जोगे वाला फॉर्म होता है वो फॉर्म आपको इसके अंदर लगाना है और डॉक्यूमेंट सभी का लगाना है, फोटो सभी का लगाना है, तो वो सब आपको रेडी करेंगे, कल सोमवार को खुलेगा, कल आपका ये हो जाएगा। और लेकिन इसके लिए ट्रॉफी आपका क्वालिफाई नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर पॉलिसी नंबर 1 ही लगेगा, जो ट्रॉफी है वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आपका इसमें लाइफ तो गिना जाएगा, 4 लाइफ गिना जाएगा। अच्छा तो ठीक है, अच्छी बात है, आप इसको बढ़िया प्लान है, सो बहुत बधाई आ रहे हैं और आपका घर जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो, तो जो है जी हमें दूसरा कंप्लीट हो गया सर, तीसरा चल रहा है, तीसरा का छत डलेगा अभी, हाँ जी जी तीसरा का छत डलेगा अभी सर 1 हफ्ता में। अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हमारे पास बाकी साथी अवेलेबल हैं इस समय, हमारे पास हरिराम जी हैं, हमारे पास कमल जी हैं, तो कमल जी, हरिराम जी, कमल जी गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है यहाँ पर इस प्रोग्राम के, आप कुछ बताना चाहेंगे आप एक्टिविटीज के बारे में? जी हरी राम जी, कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं सर, बस आपका किस किस से इंश्योरेंस का बातचीत हुआ, किसने आपको मना किया, किसने आपको हाँ किया, किसको किसको आपने फोन किया, किसको आपने व्हाट्सएप पर इंश्योरेंस समझाया, किसको आपने फोन पर इंश्योरेंस समझाया, किसको आपने मिलकर इंश्योरेंस समझाया,
कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं सर। ओके, आप बताना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कमल जी। जो आजकल तो खैर रिपब्लिक डे के अंदर जो है सरकार की तरफ से ड्यूटी उनकी लगी हुई है, सो कमल जी जो है जो देश की सेवा कर रहे हैं, तो हम जो है सर्दी के मौसम के अंदर हम लोग अपने घरों के अंदर आराम से यदि बैठ सकते हैं तो हमारे जैसे कमल जी जैसे जो लोग हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से सेवा कर रहे हैं देश की, उनकी वजह से कर रहे हैं। सो कमल जी का धन्यवाद, दिल्ली पुलिस का धन्यवाद कि सभी नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। एंड कमल जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपका जो एक्सपीरियंस है? नहीं सर, अभी तो फिलहाल में तो गुड मॉर्निंग सर। अभी सर फिलहाल में तो कुछ ऐसा नहीं है, अभी बातचीत कहीं चल नहीं रही है, फिलहाल में तो कुछ हुआ नहीं सर अभी। आपका जो नया पोस्टिंग है, नई पोस्टिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका जो रिपब्लिक डे के लिए लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं भाई, हमें तो क्या बोलते हैं नागरिक होने के नाते इतना ज्यादा पता नहीं है, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है। आप दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे सभी साथियों को? दिल्ली पुलिस में ओके, सो हमारे पास देशराज कपूर जी ने ज्वाइन किया है अभी, देशराज जी का स्वागत है। देशराज कपूर जी, कपूर जी गुड मॉर्निंग। कपूर जी नमस्कार। नंदन सिंह जी ने भी अभी अभी ज्वाइन किया है। नंदन जी गुड मॉर्निंग। सो आप दोनों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आप कुछ अपना एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहेंगे? हमारे पास एक और साथी आज आए हैं जो कि पहली बार जो कि हमारे टीम के अंदर, उनका जो अभी एजेंसी कोड तो अभी उनका नहीं लगा है, लेकिन उन्होंने अभी एजेंसी के लिए अभी उनका एग्जाम है, तो अजय कुमार जी अभी मुझे नजर आए थे। तो अजय कुमार जी आपने 5E8D ये आप ही हैं क्या? जी नमस्कार सर। पता है कि ये है। अच्छा नमस्कार, तो आपके नाम के आगे एक्चुअली ये 5E लिखा हुआ है, तो 5E चलो मैं मान लेता हूँ कि आप ही हैं। सो अजय जी आपका स्वागत है, आप यहाँ पर आए, एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, तो आप उसको जब भी करेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत है। और अजय जी हमारे बाकी साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर आपको ऐसा क्यों इंटरेस्ट पैदा हुआ, आपको ऐसा क्यों लगा कि हाँ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहिए, ऐसा आपकी यहाँ से क्या एम्बिशन है, क्या उम्मीदें हैं, क्या सपने हैं, क्या आपकी इच्छाएं, आपको क्या लगता है लाइफ के अंदर क्या क्या होना चाहिए? हेलो। हाँ अजय जी। हेलो, आप अपने बारे में अजय जी कुछ बताना चाहेंगे? आप जुड़े हुए हैं, पहली बार आप मीटिंग में आए हैं, अभी थोड़े दिन के बाद आपका एग्जाम भी है, तो आप तैयारी उसके एग्जाम की कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस एजेंसी में आपका जुड़ने का वजह क्या रहा, किस वजह से आपका यहाँ पर आने का कैसा रहा, आगे आपकी क्या क्या आपके सपने हैं जिंदगी में, क्या क्या आप करने का आपका इच्छा है, कुछ आप बताना चाहेंगे अजय जी? नहीं सर। सो अजय जी जो है फैब्रिकेशन का काम करते हैं, अल्युमिनियम फैब्रिकेशन का काम करते हैं। अपने बारे में कुछ आप नहीं बताना चाहेंगे अजय जी? कुछ नहीं बताना चाहेंगे? ओके, सो अजय कुमार मिश्रा जी जो है अल्युमिनियम डोर और अल्युमिनियम के जो खिड़कियां लगती हैं उनका फैब्रिकेशन करते हैं, और इनको हमारे एक जानकार हैं, उन्होंने रिकमेंड किया, मुझे बताया इनके बारे में कि भाई इनको ज्वाइनिंग करना है, तो ठीक है, बड़ी मुश्किल से इनका ज्वाइनिंग हुआ, वगैरह का कुछ कमी था, तो पूरा करके अब फाइनली एग्जाम होता है। तो हम सब की तरफ से कामना है कि इनका जो एग्जाम है बढ़िया रहे और ये सफल हों, एग्जाम के अंदर सफलता प्राप्त करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आज का जो प्रोग्राम है इसके अंदर, हाँ जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं कुछ नहीं सर। ओके, सो एग्जाम की तैयारी करिए, उसके बिना गुजारा नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और ये वाला जो एग्जाम का तैयारी है जिंदगी भर काम आता है, अच्छे से तैयारी करना जरूरी है। आज का हमारा जो मीटिंग का जो दो नंबर टॉपिक है उसका नाम है नया स्वर्णिम मनी बैग पैकेज। तो स्वर्णिम मनी बैग पैकेज के बारे में कोई साथी बताना चाहेंगे?
क्या है, कैसे है, स्वर्णिम मनी बैग पैकेज के अंदर क्या क्या होगा, कोई भी साथी इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या क्या है स्वर्णिम मनी बैग पैकेज के अंदर, क्या मिलेगा, क्या देना है? नहीं, कोई आपने ये पैकेज देखा है कि नहीं देखा है? ये वाला पैकेज मैंने आपको भेजा हुआ है, क्या ये वाला देखा है या नहीं देखा? स्वर्ण मनी बैग पैकेज क्या आपने देखा? देखा तो है सर। नहीं देखा है सर। तो ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? कोई कहीं कोई दिक्कत समझ में आ गया सर? तो क्या लगा इसके बारे में सर? इसमें मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए पूछिए हरी राम सर। जैसे इसमें सर इसमें 45 इयर्स दिए हैं तो 48 49 नहीं रहेंगे क्या? यहाँ पर लिखा है 45 600 रुपए पर नहीं मिलेगा जी। इससे ज्यादा वाले नहीं जा सकते 45 तक आप इसको लेकर रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपको ज्यादा कुछ और करना है तो कुछ और पैकेज आप बना लीजिए। क्या होता है कि देखो उम्र के साथ ना प्रीमियम बढ़ने लगता है। आप इसमें ध्यान से देखेंगे इयरली प्रीमियम 45 की एज में है 20,203। आप नजर आ रहा है कि नहीं? जी सर आ रहा है। आ रहा है बढ़िया। 20,203 का प्रीमियम है। आप यदि इसको देखेंगे तो 20 की एज में 17,585 का प्रीमियम और 45 की उम्र तक जाते जाते अभी हम इसको 45 से ऊपर लेकर जाएंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 20 से लेकर 45 तक के बीच में इसको रखा गया है। इसका मकसद यह है कि आपका ये जो रिपब्लिक डे वाला जो ट्रॉफी है वो फटाफट क्वालिफाई हो जाए। 3 पॉलिसी पर आपका ये वाला क्वालिफाई हो सकता है, एक ही कस्टमर के द्वारा आपका ये वाला क्वालिफाई हो सकता है। अभी जिन लोगों का 3 हो चुका है वो 6 के लिए ट्राई कर सकते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर स्पेशल सीनियर डिविजन मैनेजर जो है ऑनरिंग करेंगे। तो लेकिन जिनका अभी 3 तक नहीं पहुंचे हैं वो 3 तक कोशिश कर सकते हैं। तो इसके अंदर 3 इसमें रखे हैं कि इसमें क्या होगा 914 915 921 3 तरीके के प्लान इसके अंदर दे रखे हैं। एडोमेंट पॉलिसी साल की 1 लाख का 3 पॉलिसी इसमें लिया हुआ है 915 21 1 लाख जिसको 1.25 लाख गिना जाएगा जिसके अंदर 921 5 लाख उसको भी 1.25 लाख माना जाएगा तो 3.5 लाख टोटल हो जाएगा आपका। और एक्चुअल समय छोड़ो 1 लाख की 3 पॉलिसी 3 लाख लेकिन इंश्योरेंस कर आपका 3.5 लाख का पहले ही दिन से हो जाए। यहाँ पर इसमें लिखा है 5 साल के बाद 15,000 मिलेंगे, 10 साल के बाद 15,000 मिलेंगे, 19 साल के बाद 1,82,000, 20वें साल में 15,000, 21 में 7,900, 25वें साल में 1,67,500। इसके अलावा इसके अंदर जो एक और चीज आपके पास चाहिए 915 वाला जो प्लान है इसका जो 1 लाख का इंश्योरेंस कवर है वो आपको इसके बारे में कुछ आप पूछना चाहें कुछ जानना चाहें कुछ बोलना चाहें। एक्सीडेंटल डेथ में 6.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी में यदि हैंडीकैप हो गए भगवान ना करे हैंडीकैप हो गए तो उस केस में तकरीबन 9 लाख रुपए आप क्लियर हो गया कैसे मिलेंगे? ओके जी, इस पैकेज के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आपको कुछ कहना है इस पैकेज के बारे में? या तो ये आसानी से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है या क्या है सर? इसमें फॉर्म फॉर्म 3 भरेंगे या एक सिंगल फॉर्म? हेलो। 300 का फॉर्म आपको लगाना है इसके अंदर और 300 के फॉर्म के साथ में मल्टी प्रपोजल का एक फॉर्म लगाना है आपको। मल्टी प्रपोजल के फॉर्म का फायदा यह है कि उस एक फॉर्म के अंदर 3 प्लान्स का डिटेल आ जाएगा और बाकी का 300 नंबर का फॉर्म जो नॉर्मली आप लगाते हैं वो तो लगने ही वाला है। जो मल्टी प्रपोजल का फॉर्म इसके अंदर आप लगाएंगे तो उसके अंदर 3 प्लान्स का समरी आ जाएगा, एक ही फॉर्म के अंदर 3 प्लान्स का समरी आ जाएगा। हाँ जी बोलिए। मल्टी प्रपोजल फॉर्म का वो तो फिर चाहिए होगा। आप यदि अपने WhatsApp के ग्रुप के अंदर सर्च करेंगे मल्टी प्रपोजल फॉर्म आपको वहां पर मिल जाएगा। आप Google में भी सर्च करेंगे मल्टी प्रपोजल फॉर्म वहां भी मिल जाएगा।
मैं भी आपको भेज दूंगा, मल्टी प्रपोजल फॉर्म फिर से भेज दूंगा, आप ऑफिस में आएंगे वहां भी मिल जाएगा। तो चार तरीके हैं, चार जगह हैं जहां पर आपको मल्टी प्रपोजल का फॉर्म मिल सकता है। ये वाला मल्टी प्रपोजल का फॉर्म जब आप लगाएंगे तो इसका फायदा आपको ये रहेगा कि आपको तीन अलग अलग 300 नंबर के फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, आपको एक ही 300 नंबर का फॉर्म भरना है, एक ही बार में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और बाकी का जो मल्टी प्रपोजल फॉर्म लगाएंगे उसके आपकी तीन FPR आ जाएंगी, आपके तीन पॉलिसी बॉन्ड आ जाएंगे, इस तरीके से आपके लिए चलेगा। जी सर, ठीक है। और कुछ आप जानना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं सर, यही जानना चाहता था मैं कि तीन फॉर्म लगाने होंगे। कल आखिरी डेट है ट्रॉफी का। जी, कल आखिरी डेट है ट्रॉफी का। हमारे पास तीन नंबर टॉपिक है, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि 10 नंबर का यदि हम कैलकुलेट करें कि 10 नंबर आपको लेने हैं और प्लान का नाम है 915 न्यू जीवन आनंद, ठीक है, तो आप सारे के सारे प्रेजेंटेशन के अंदर कितने ज्यादा होशियार हैं, 915 को कितने शानदार तरीके से प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि कई बार ये देखा गया है, एक एजेंट गए वहां पॉलिसी बेचने के लिए, कस्टमर ने उनसे नहीं खरीदा, दूसरे गए उनसे खरीद लिया, या तो दो गए उनसे नहीं खरीदा, तीसरे से खरीद लिया, या तो तीन गए उनसे नहीं खरीदा, चौथे से खरीद लिया। जितने भी एजेंट्स थे वहां पर जो गए थे कस्टमर के पास, सबने एक ही प्लान बताया, 915 915 915 915, लेकिन कस्टमर ने क्या बोला, ये मेरे पास जो दूसरे या तीसरे या चौथे या पांचवें, ये जो लास्ट में जो भाई साहब आए थे, इन्होंने इतने शानदार तरीके से बताया कि मेरा मन कर गया कि हाँ इनसे मैं पॉलिसी करा लूं। और बाकी के जो लोग आए थे उन्होंने भी बताने का कोशिश किया, लेकिन कस्टमर का इच्छा नहीं पैदा हुआ कि या मैं कराऊं कि ना कराऊं। तो हमारा तीन नंबर टॉपिक क्या है, हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 10, यदि 10 नंबर देने हो 915 का प्रेजेंटेशन, न्यू जीवन आनंद जो प्लान है, यदि उसके प्रेजेंटेशन के अंदर आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, मैं भी प्रेजेंट करता हूं, आप भी प्रेजेंट करिए, हमारे सभी लोग प्रेजेंट करेंगे, अभी हमारे जितने भी लोग हैं, हरिदास जी भी 915 का प्लान प्रेजेंट करेंगे, हमारे कमल जी भी करेंगे, देशराज कपूर जी भी करेंगे, हमारे पास जो नंदन सिंह जी हैं वो भी करेंगे प्रेजेंट, सभी लोग करेंगे, अशोक जी भी करेंगे। तो सभी लोग यदि करें, प्रेजेंट कर रहे हैं जो प्लान है, इस वाले प्लान को प्रेजेंट करने के बाद 10 नंबर देने हैं, एक आदमी प्रेजेंट करेगा, हम में से कोई भी एक आदमी प्रेजेंट करेगा, और बाकी के जो हैं, अभी हम यहाँ पर इस समय 8 लोग हैं, तो 8 में से क्या है, एक आदमी प्रेजेंट करेगा, बाकी के 7 उसको नंबर देंगे। जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना, कि वो क्वेश्चन में ABCD मार्क करो, या तो फिर जैसे इंटरव्यू में जाते हैं वहां पे नंबर देते हैं, एक कैंडिडेट इंटरव्यू देता है, 4 लोग उस पे मार्किंग देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या है, अभी देखो इसको बोलते हैं आपस में नेट प्रैक्टिस, जैसे क्रिकेटर होते हैं ना, क्रिकेटर क्या करते हैं, सुबह सुबह आप क्रिकेटर को देख रहे, क्रिकेटर लोग सुबह सुबह क्या कर रहे होते हैं, क्रिकेट के पिच पे सवेरे सवेरे पहुंच जाते हैं। अब जो है मेरे ख्याल से ये देखिए, मेरा जो क्या बोलते हैं, ये मैं आपको क्रिकेट की दिखा, ये जो है मेरा घर जो है, मेरा क्रिकेट की पिच पर ही घर है, आपको सामने ये मेरी बैल्कनी से सामने क्रिकेट की पिच नजर आ रही है, ये स्टेडियम है। तो ये वाला जो क्रिकेट की पिच मैंने आपको दिखाई, ये मैंने आपको क्यों दिखाई, मेरी बैल्कनी के नीचे सारी क्रिकेट प्रैक्टिस होती रहती है। तो क्रिकेटर लोग क्या करते हैं, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे पुजारा हो, चाहे अंशुमान गिल हो, जो भी हो, तो ये सारे के सारे क्रिकेटर लोग क्या करते हैं, सुबह के सुबह प्रैक्टिस करते हैं। बड़े से बड़ा क्रिकेटर करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाला, आज की डेट में तो क्रिकेट ऐसा गेम हो गया है कि वहां पे अरबों रुपए की कमाई संभव हो गई है। तो जितना भी मर्जी बड़ा क्रिकेटर है, तो क्या करते हैं, सुबह के सुबह नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरीके से सिंगर करते हैं, म्यूजिशियंस भी करते हैं, सब लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी टॉप LIC एजेंट है वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई आपको भी यदि टॉपर बनना है तो नेट प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो नेट प्रैक्टिस करने के लिए कि भाई यदि हम नेट प्रैक्टिस के तौर पे एक एक प्लान का नेट प्रैक्टिस करें, यानी कि मान लीजिए हमारे पास जैसे इस समय इधर हमारे पास 9 लोग हैं, अभी 9 में से एक व्यक्ति प्रेजेंट करेगा, बाकी के लोग उसको नंबर देंगे कि भाई 915 प्लान है, न्यू जीवन आनंद है, तो बाकी सब जो जो व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है तो उसको पता लगेगा कि मैं कितना पानी में, उसको पता लगेगा कि यार कस्टमर मेरे से क्यों नहीं खरीदता है। अभी कस्टमर के पास आप जाते हैं, कस्टमर के सामने आप प्रेजेंटेशन करते हैं, अभी कल आना,
अब कल आना आपको लगता है यार ये क्या बोल रहा है, कल आना आपको लगता है ये सच बोल रहा है, अच्छा वो सच बोल भी रहा है। कई बार क्या होता है कस्टमर कर्टसी के तौर पर, शिष्टाचार के तौर पर या तो बोलता है कल आना, या तो बोलता है या तो बोल भाई से पूछूंगा, या तो बोलता है भाई से पूछूंगा, या तो बोलता है सीए से बात करके बताऊंगा, या तो खत्म हो गई है, या तो बोलता है करके कुछ बोलता है। तो ये कुछ ना कुछ बोलने का नतीजा क्या निकलता है, हमको लगता है कि सच बोल रहा है, अच्छा सच बोल भी रहा होता है, लेकिन असली कारण कभी कभी क्या होता है यदि हम इसकी गए कि जो असली कारण है, असली कारण वो नहीं है जो कि ये बोल रहा है, असली कारण इसका ये है हमने जो इसको प्रेजेंटेशन दिया है, चाहे हमने 915 का दिया है, प्रति प्लान का दिया है, इसको उसके अंदर ना कुछ दम नजर नहीं आया, इसको इसके अंदर कोई मजा नहीं आया, इसको सुनने में कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगा, इस वजह से वो ऐसा बोल रहा है। हमें क्या करना है, हम ये वाला जो है प्रैक्टिस करेंगे, अभी हमारे पास एक्चुअली आखिरी के 8 मिनट बचे हैं, तो मेरे ख्याल से 8 मिनट के अंदर हम ले प्रैक्टिस वाला काम यदि शुरू करते हैं तो ये तो टाइम तो फिर इसके लिए बचेगा ही नहीं, तो इसके लिए मुझे लगता है शायद, और यदि हम 8 मिनट के अंदर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है शायद 1 या 2 प्रैक्टिस हो पाएंगी। तो खैर इस टॉपिक को हम रखते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा समय हमारे पास अवेलेबल हो, लेकिन हाँ इस टॉपिक की भूमिका हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। हम इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, इन्वॉल्वमेंट, जब आप किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंट करते हैं, कस्टमर को करते हैं, आजकल वीडियो सेलिंग का जोर हो चुका है, आजकल बहुत सारे एजेंट है जो वीडियो पर पॉलिसी बेच रहे हैं, या तो जूम वीडियो कॉल पर पॉलिसी बेच रहे हैं, या तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर पॉलिसी बेच रहे हैं। आपने भी वीडियो कॉल पर शायद पॉलिसी बेचा होगा, नहीं बेचा है तो बेचना आप सीख लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे एजेंट वीडियो कॉल पर पॉलिसी बेच चुके हैं। और जाना, कई बार क्या होता है कस्टमर को लगता नहीं कोविड है या तो और भी अलग अलग कारण है जिसकी वजह से वो कहते हैं जी वीडियो पे समझा दो, अच्छा आपके लिए भी आसान है ना, आप वीडियो पे उसको पॉलिसी समझा सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना व्हाट्सएप वीडियो कॉल ओपन करना है, कस्टमर को वीडियो कॉल लगाना है, उसको पूरा का पूरा पॉलिसी समझा डालना है। So, हम इस टॉपिक को थोड़ा सा बाद में दोबारा करेंगे, अभी फिलहाल हमारे पास इस समय रवि राज किशोर जी। रवि जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। रवि आप कुछ अपना एक्टिविटीज के बारे में, अपने बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसी तो कोई बात है नहीं सर। अच्छा ठीक है बढ़िया। कैसा चल रहा है, किन किन लोगों से आपका बात हो रहा है, कौन कौन लोग आपको बीमे के लिए मना कर रहे हैं, कौन कौन लोग हाँ कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव आपको हो पा रहा है इस लाइन में, कहाँ कहाँ से अपॉइंटमेंट मिल पा रहे हैं, कहाँ कहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ भी आप बताना चाहेंगे, आपके आसपास कैसा चल रहा है, इच्छा है कुछ आपको बताने का? सर अभी ऐसा कोई बात है नहीं सर कि जो अच्छा, चर्चा कर सके। कोई 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 दिक्कत की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो हम अपना इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा रिपब्लिक ट्रॉफी, हमारी रिपब्लिक ट्रॉफी ऑलरेडी चल रही है, कल इसका आखिरी दिन है, आज ऑलरेडी 24 हो गई है, कल 25 तारीख को इसका आखिरी दिन है। गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को ऑनरिंग रहेगा, सीनियर डिवीजन मैनेजर जो है 6 या 6 से ऊपर वालों को ऑनरिंग करेंगे। अभी हमारे पास इस समय कॉल पे जो अवेलेबल है जूम में, हमारे पास साथी जो अवेलेबल है, तो 3 पॉलिसीज पर रहेगा उनका, 3 पॉलिसीज पर। रविराज जी का 1 पॉलिसी हो चुका है, 2 की इनको जरूरत है, और इसके अलावा हमारे पास नंदन सिंह जी हैं, नंदन सिंह जी का भी 1 हो चुका है, और नंदन सिंह जी को भी 2 पॉलिसीज की जरूरत है, तो नंदन जी यदि अपना 2 कर लेते हैं तो इनका गुजारा चल सकता है। और विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका जल्दी से जल्दी क्वालिफाई होए, कल तक का समय आपके पास है, कल तक आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तपन जी गुड मॉर्निंग, हमारे पास तपन जी भी हैं इस समय, और तपन जी का भी स्वागत है। तपन जी नमस्कार, शायद उनका आवाज में कुछ समस्या है, तपन जी कुछ आवाज में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है क्या आपको? नहीं, तपन जी कुछ बोलना चाहेंगे या तपन कुमार महिंता मनी जी आप आए यहाँ पर, आपका स्वागत है, वेलकम। उत्तम नगर से तपन जी आए हैं हमारे बीच में, स्पेशली समय उन्होंने निकाला है, संडे की जो ठंड है उस ठंड के अंदर से स्पेशली उन्होंने समय निकाला है। तपन जी कुछ कहना चाहेंगे?
लाइव कैसे चल रहा है? नहीं. सो हम लोग आगे अपन बाकी का जो टॉपिक है हमारा उसको कंटिन्यू करते हैं. हमारा बाकी की जो बातें थी, ट्रॉफी उसके लिए क्वालिफाई कर लें जो भी आपका बचा हुआ है. यूनिट लिंक पे, दो यूनिट लिंक पे प्राइस है आपके लिए स्पेशल, 500 रुपए का एक्स्ट्रा प्राइस है. प्रकाश रंजन जी का एक पॉलिसी हमारे पास हो चुका है, एक और उनको चाहिए. जोनल मैनेजर की तरफ से टूरिस्ट प्लेस पर 25 पॉलिसी पर जनवरी के अंदर यदि आप करते हैं तो टूरिस्ट प्लेस पर आपका ऑनलाइन रहेगा. और 25 पॉलिसी करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही कस्टमर के द्वारा 25 पॉलिसी हो सकती है. पैकेज बन सकता है 914 प्लान का, एंडोमेंट का पैकेज, या तो जीवन आनंद का पैकेज, ऐसा कुछ पैकेज बन के 25 साल तक लगातार उस कस्टमर को पैसा मिल सकता है. सातवां टॉपिक आज का हमारा है पैकेज सेल्स. What are the most liked combinations? जब भी हम पॉलिसी बेचते हैं हमारे पास दो पॉसिबल तरीके हैं पॉलिसी बेचने के. पहला हमारे पास है कि हम इंडिविजुअल प्लान बेचें, हम 915 बेचें, 936 बेचें, हम और कोई जीवन शिरोमणि बेच सकते हैं, हम आधार स्तंभ बेच सकते हैं, आधारशिला बेच सकते हैं, कोई भी प्लान बेच सकते हैं. लेकिन पैकेज बेचना क्यों जरूरी है, पैकेज के बारे में लोगों को बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि पैकेज लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं. आप राजमा अलग खाएंगे, आप चावल अलग खाएंगे, उसकी बजाय राजमा चावल जब पैकेज मिलता है तो लोगों को अच्छा लगता है कि यार के अंदर भी कई बार क्या होता है पैकेजेस में लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है. इंडिविजुअली अलग अलग प्लान भी पसंद आते हैं लेकिन पैकेजेस लोगों को कई बार ज्यादा पसंद आ जाते हैं. तो हमें क्या करना है, बढ़िया से बढ़िया पैकेजेस हमारे पास होने चाहिए जिससे कि हम कस्टमर को उनके बारे में बता सकें. और हम कस्टमर्स को पैकेजेस के बारे में अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से बताएंगे तो कस्टमर उनको लेगा. आप में से कोई भी साथी किसी एक पैकेज के बारे में बताना चाहेंगे, आपको लगता है कि हाँ ये वाला पैकेज बहुत शानदार पैकेज है, बहुत बढ़िया पैकेज है, तो आप में से कोई भी साथी किसी भी पैकेज के बारे में बताना चाहें, बोलना चाहें, कोई भी पैकेज. पैकेज बेचना आसान काम नहीं है, मैं आपको बता दूं. तब तक आसान नहीं है जब तक हमने किया नहीं है, लेकिन जब हमने कर लिया है तो उसके बाद आसान काम है. तो आप में से कोई भी साथी पैकेज के बारे में बताना चाहेंगे. एक पैकेज के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया, स्वर्णिम मनी बैग पैकेज. तो कोई भी साथी पैकेज के बारे में बोलना चाहेंगे? नहीं. तो हम लोग एक पैकेज है जिसके बारे में, जैसे पैकेज कैंसर कवर का एक पैकेज है. ये कैंसर कवर का जो पैकेज है हमने इसको सेल किया है, अलग अलग बार इसको हमने सेल किया है. हमारी टीम में अलग अलग साथी हैं जिन्होंने इसको सेल किया है. तो हमने कस्टमर को बताया कि सर ये जो कैंसर प्लान आप अलग से ले रहे हैं तो इसके अंदर रिफंड और प्रीमियम वाला ऑप्शन अवेलेबल है. कस्टमर ने कहा ठीक है कर दो, ये वाला पैकेज हमने बेचा हुआ है. हमारे पास जीवन आरोग्य के अंदर रिफंड और प्रीमियम वाला पैकेज अवेलेबल है. तो हमने क्या किया, जीवन आरोग्य के साथ में 914 को जोड़ दिया, एंडोमेंट पॉलिसी को जोड़ दिया. तो उससे क्या हुआ कि जितना भी पैसा जीवन आरोग्य पॉलिसी के अंदर जमा हुआ वो सारा का सारा प्रीमियम मैच्योरिटी पर रिफंड हो गया. हमारे पास टर्म इंश्योरेंस के अंदर रिफंडेबल टर्म इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है जो कि किसी भी और इंश्योरेंस कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है. तो ये वाला पैकेज भी एक बहुत ही शानदार पैकेज, बहुत सारे कस्टमर ने पसंद किया है और अलग अलग लोगों ने करवाया भी है. तो एक ये वाला भी लोगों को पसंद आया है और हमारा तो काम ही है कि अलग अलग पसंद आने वाले पैकेजेस बनाए जाएं और लोगों को इसके बारे में बताकर जानकारी दी जाए और उसको सेल किया जाए. सो हमारा इसी के साथ में आखिरी का हमारा जो समय है, लगभग हमारा 9:20 तक का मीटिंग था, 9:20 हमारे हो चुके हैं. सो आज आप सभी यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा. तो आज आपको आज के प्रोग्राम में क्या क्या पसंद आया? आज का तो प्रोग्राम में जो थीम था सर वो पैकेज पे था. पैकेज पे आपने बताया स्वर्णिम मनी बैग पैकेज के बारे में बताया जी, और एक कैंसर कवर पैकेज के बारे में, दो चीज जो हमने आज पैकेज के बारे में महत्व देकर के इम्फेसिस इसका कह लीजिए वो पैकेज पे था जी. जी बढ़िया. और आपको क्या अच्छा लगा इसके अलावा, कुछ और आप बताना चाहेंगे? जो भी आपको अच्छा लगा हो आज के प्रोग्राम में, आप यहाँ पर आए तो आपको आज और क्या अच्छा लगा आज के दिन? और कोई साथी बोलना चाहेंगे? नई चीज मिली है. हेलो. हाँ हाँ बताएं बताएं हरिराम जी.
सर, एक तो नई चीज सीखने को मिली है, मल्टी प्रपोजल फॉर्म, जैसे पैकेज बनाते हैं तो सिंगल फॉर्म भर के मल्टी प्रपोजल लगाते हैं। जी ठीक है, और जैसे हम तो सर आज का, और तो सर ठीक है, बढ़िया है ये। जी जी, और कुछ आपको आज के दिन पसंद आया हो? आपने अभी अभी हमने लगभग आधा घंटा हमने अलग अलग बातों पर चर्चा करी, तो हमने कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू सभी साथियों को मिल पाए, अच्छा लगे सभी लोगों को। तो और क्या आपको पसंद आया आज के दिन, कुछ आप कोई और कोई साथी बताना चाहें? ओके, सो कल का जो प्रोग्राम रहेगा थोड़ा जल्दी रहेगा, कल सुबह 8 बजे से 8:15 का रहेगा, क्योंकि 8:30 बजे उसके बाद राजेश टैगोर जी का क्लास है। हमारे पास हमारी टीम में दो साथी हैं, एक तो देशराज कपूर जी हैं, सीक्रेट एजेंट बोलते हैं हम उनको, क्योंकि वो सभी काम सीक्रेटली करते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो कल हमारा 8:30 बजे से 9:30 देशराज कपूर जी उस प्रोग्राम के अंदर है, 49 हफ्तों के लिए, 49 वीक्स। मैं भी उस प्रोग्राम में हूँ, 5900 उन्होंने भी भरे हैं, मैंने भी भरे हैं, धर्मेंद्र कुमार जी हमारी टीम में हैं, वो भी इस वाले प्रोग्राम के अंदर राजेश टैगोर जी वाले जूम की ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल है, हिंदी का प्रोग्राम है। सो हम तीनों लोग 8:30 बजे से हम लोगों को वहां पर ज्वाइन करना है। तो हमारा यहाँ का जो मीटिंग है, तो आप सभी जो है कल सुबह 8 बजे यहाँ पर आइए, क्योंकि 8 से 8:15 हम लोग 15 मिनट के लिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे सुबह मिलजुल कर बातचीत करने के। तो सुबह सुबह का अच्छा माहौल रहता है, फ्रेश माहौल रहता है, सुबह की अच्छी शुरुआत करें, और भगवान करे कि आपका जो है पॉलिसी बढ़िया, सभी का जो है कम से कम एक पॉलिसी जरूर सबका सेल हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल, बाय बाय, गुड डे। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।